हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। धन्यवाद दोस्तों। दोस्तों नमस्कार, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी वीडियो लाया हूँ। ये थ्रेड सोकिंग मशीन है, यानी कि ये धागा झाड़ने वाली मशीन है, यानी कि कहो कि जो नए नए पीस बनते हैं उन कपड़ों के अंदर का धागा को बाहर निकालना बिना किसी मेहनत के। तो आज हम इस मशीन की पूरी सर्विस करेंगे और इसमें क्या क्या प्रॉब्लम होती है पूरा चीज़ आपको हम दिखाएंगे। तो आप पूरी वीडियो हमारी ध्यान से देखना, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। तो इसे हम थ्रेड सोकिंग मशीन भी कहते हैं और धागा झाड़ने वाली भी मशीन कहते हैं। ये अक्सर क्या होता है कि गारमेंट कंपनी में या ऑफिस में प्रयोग किया जाता है। इसमें नए पीस को हम इसके अंदर डालते हैं तो बहुत ज़ोर से खींचता है अपनी तरफ, और खींचने के साथ साथ कपड़ा आप पकड़ के रखेंगे और जो भी इसमें धागा लिपटा होगा वो सब अंदर निकाल देगा, सब बाहर साइड निकाल देगा। तो चलो दोस्तों हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं कि इस मशीन को रिपेयर और सर्विस कैसे किया जा सकता है। तो ये हमारे पास रामसंग की थ्रेड सोकिंग मशीन है, फुली ऑटोमेटिक ये मशीन है। थ्रेड सोकिंग मशीन फुली है और नॉर्मल मैनुअली फुली दोनों है, दोनों पे हम इसको चलाते हैं। तो ये देख रहे हो, ये यहाँ पे एयर की सेटिंग होती है। चलिए अब हम इसको खोलना शुरू करते हैं। यहाँ पे उठाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे, जहाँ पे यहाँ देखेंगे ना इसके अंदर, यहाँ पे एयर की सेटिंग होती है। पहले हम उसको बाहर निकालेंगे। इस एयर की सेटिंग में एक लॉक लगा होता है, उस लॉक को हम बाहर निकालेंगे और इसको सेट करेंगे। सेट करना ही बहुत आसान है, लेकिन आप पूरी वीडियो देखोगे तब आपको पता चल जाएगा। तो इसकी हम सेटिंग करेंगे। पहले इसमें एक लॉक है, उस लॉक को हम खींचेंगे। देखो ऐसे बड़े सीधा करें, कील लगी है, लॉक तो नहीं है, लॉक तो निकल जाता है। तो इसमें कील हम फंसा रखे हैं, तो उसी कील को हम थोड़ा सा टेढ़ा करके बाहर निकालेंगे। तो दोस्तों हम इस मशीन के बारे में पूरी आपको जानकारी देंगे। वीडियो बड़ी होगी लेकिन आपको जानकारी बहुत मिलेगी, जानकारी का तो भंडारा मिलेगा इसमें। चलिए कील निकाल दिया हूँ, अब हम उस उधर साइड से इस एडजस्टमेंट को, एयर को निकाल देंगे। देखो हम इसको निकाल लिए हैं, ये यहाँ पे लगा हुआ था, यहाँ पे एयर एडजस्ट होती है। अब चलिए ये यहाँ पे लगा हुआ था और यहाँ से एयर को हम एडजस्ट करते हैं कम ज़्यादा। अब ये जितने इसमें स्क्रू इस प्लाइप लगे हैं सारे को हमें खोलना है। इसमें ये देखो थ्रेड सोकिंग मशीन लिखा हुआ है। इस दोनों साइड के कवर जो है इसको हमको बाहर निकालना पड़ेगा। तो इसमें जितने भी पेच हैं सबको हम बाहर निकालेंगे। तो ये देखिए इसका डायग्राम बना हुआ है, अगर कोई इसमें प्रॉब्लम हो जाती है तो आप इसको ठीक कर सकते हो। तो लगभग इसकी ज़रूरत नहीं है, ये जल्दी ख़राब नहीं होती मशीन, बस इसकी समय पे सर्विस होनी चाहिए। जैसे देखो धागा भरा हुआ है, देख रहे हो इतना इसमें धागा भरा हुआ है। तो इसके दो भाग में धागे, एक इधर होता है, एक आगे साइड होता है, ऊपर साइड और एक ये बीच में होता है। इन सब को बिल्कुल क्लीन कर दो। और यहाँ पे देखो जितने भी इसमें फिल्टर हैं, पीछे आगे ऊपर तीनों जगह पे इसको साफ़ सुथरा बिल्कुल कर दो, कहीं भी इसमें धागा नहीं दिखना चाहिए। इसी धागे से इस मशीन में एयर की कमी हो जाती है, हवा नहीं सही तरह से खींच पाता कपड़े को। और ये आगे साइड का अभी हम लमसम अब इसको दो स्क्रू और रह गया, इसको भी हमें खोलना पड़ेगा। और यहाँ भी खुल गया, एक यहाँ रह गया यहाँ पे। अब देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो सर्विस तो कर ही रहे हैं, सर्विस में जो भी कमियाँ होगी आज हम इसको दूर करेंगे। क्योंकि ये मशीन चलती थी तो कपड़े को नहीं खींचता था, इसका धागा नहीं छूटता था,
और मशीन भी धीमी चलती थी, इसमें 3-4 प्रॉब्लम थी। तो चलो एक बार हम अब खोलते हैं, देखते हैं इसमें। चलिए अब इसको हम खोल दिए हैं। अब यहाँ देखते हैं कि ओहो, इसकी तो बेल्ट ही टूटी हुई है। देखिए, एक बेल्ट पे चल रही थी जो बिल्कुल टूटा हुआ है, और दो बेल्ट तो बिल्कुल टूट के गिर गया है। तो बताइए इसमें स्पीड कहाँ होगी, कपड़े को कहाँ खींचेगा, धागे को कहाँ खींचेगा। तो अब हमें इस बेल्ट को चेंज करना है। इसमें 42 नंबर की बेल्ट लगी है, B42। अगर आपके पास B42 नहीं है तो आप 41 भी यूज कर सकते हो, 43 भी यूज कर सकते हो। तो इसमें एडजस्टमेंट करने के लिए रहता है, हम इसको एडजस्टमेंट कर सकते हैं। ये चाबी होती है, यहाँ से हम लूज टाइट कर सकते हैं। तो देखिए ब्लोअर में भी देखो कितना कचरा भरा हुआ है, तो इसकी हमें बहुत बढ़िया साफ़ सुथरा करना पड़ेगा। ये देखिए इतना इसमें डस्ट भर जाता है, बहुत ज़्यादा धागा भरा है, इस धागों को भी हमें साफ़ करना पड़ेगा। आज थोड़ा तबीयत डाउन है, इसलिए फिर भी वीडियो बना दे रहा हूँ। खांसी आ रही है, लेकिन क्या करें, वीडियो तो बनाना ही पड़ता है। तो इसको हम चालू करेंगे, लेकिन कभी कभार क्या होता है, जब लोकल हम ले लेते हैं बेल्ट ना, तो यही कारण होता है। बेल्ट को लोकल बेल्ट नहीं लगाना चाहिए, जो इतना ही चिटक गया है, इतना चिटकना नहीं चाहिए। देखिए ये तो जैसे चाकू से पूरा काट दिया हुआ, लेकिन ये चाकू से कटा नहीं है, बिल्कुल बेल्ट खराब हो जाती है। ख़राब क्या, जो इसका इसको हम उतारेंगे, अगर नहीं उतरेगा तो उसको हमको काट देना पड़ेगा, क्योंकि बेल्ट तो ख़राब ही हो चुकी है, इसको हम कटर से या बेल्ट से लेके काट देंगे। चलो हम उतार लेते हैं। तो इसको एक बैग नहीं उतारा जा सकता, पहली पुल्ली, दूसरी पुल्ली, तीसरी पुल्ली, इस तरह के टाइप में इसको उतारना पड़ेगा। तो हम चलते हैं दूसरी साइड का भी कवर खोलते हैं, अभी यहाँ छोड़ देते हैं, यहाँ तो मैं दिखा दिया हूँ। अब दूसरी साइड भी चलेंगे, उधर वाली भी कवर खोलेंगे। यहाँ तो हम साफ़ कर दिए हैं लमसम। तो देखो ये बेल्ट पूरी चिथरा हो गई है। अगर बेल्ट टूट गई है, बेल्ट उसरा हो गई, तो इसमें स्पीड नहीं आती। 42 नंबर की बेल्ट है ये, B42 तो हम 42, अगर आपके पास 42 हो तो लगा सकते हो, नहीं है अगर मार्केट गए हो तो 41 भी ले सकते हो, अगर 42 नहीं है 43 भी ले सकते हो। तो ये बेल्ट जो है एडजस्ट करके लगाया जा सकता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 41-42 ही ले। अब देखो इधर का भी कवर हम खोल दिए हैं, पीछे साइड का भी, और इधर भी देख लेते हैं क्या क्या इसमें कितना कचरा है। इसमें तो बहुत ज़्यादा कचरा भरा हुआ, इस साइड में देखिए, दोनों साइड से ही, तो दोनों साइड ही बड़ा आसान रहता है। क्या करें, समस्या है। ये देखो यहाँ भी कचरा भरा हुआ है, इस पूरे वायर पे भरा हुआ है, ब्लोअर पे भी देखेंगे, ब्लोअर पे देखो भी कचरा यहाँ भरा हुआ है। इसको भी, हाँ यहाँ भी बढ़िया से क्लीन कर देना पड़ेगा, साफ सुथरा एकदम कर दो, तभी तो ये बढ़िया होगा। जब सर्विस ही कर रहे हो तो बिल्कुल साफ सुथरा। ये देखो यहाँ भी भरा हुआ है, ये तो जैसे लग रहा है कि चिड़िया को घोंसला लगा दिए है इसमें। बताओ, ये सही तरह से सर्विस नहीं होती थी, इसीलिए यहाँ इतना इसमें कचरा भरा हुआ है।
तो हम इसको बिल्कुल क्लीन करेंगे, साफ सुथरा करेंगे। निकाल के तो दोस्तों ये जो थ्रेड सॉकिंग मशीन है रामसंस की है, फुली ऑटोमेटिक है, नॉर्मल और फुली ऑटोमेटिक दोनों पे चलती है। इसमें सेंसर भी लगा होता है, बस आपको हाथ ले जैसे ही पिछले का हाथ ले जाएंगे वैसे खींचना शुरू कर देता है। तो इसमें सेंसर के भी लगा होता है। अब चलिए मोटर भी एक झलक दिखा देते हैं। ये देखो मोटर भी कचड़ा भरा हुआ है, तो इनको पूरा ब्लोअर मार के बिल्कुल साफ़ सुथरा कर देंगे हम। ऐसा नहीं कि आधा नहीं, हम पूरा इसमें ब्लोअर मारेंगे, एयर ब्लोअर, और बिल्कुल साफ़ सुथरा कर देंगे। तो बिल्कुल ये सही कर देंगे इसे हम। बैरिंग तो इसकी जल्दी ख़राब नहीं होती, बैरिंग बिल्कुल सही है, चेक कर लिया हूँ घुमा के। और हम चलते हैं यहाँ पे, यहाँ पे भी एक जाली लगी होती है, यहाँ की भी जाली आपको साफ़ करना पड़ेगा। तो इसकी जाली पहले ही निकाल के रखें, साफ़ कर दिए हैं, तो दो जगह जा रही है, यही जाली थी। तो इस जाली को बिल्कुल क्लीन पड़ रहा। अगर यहाँ पे बिल्कुल कचरा भरा रहता है तो भी ये मशीन बिल्कुल धीमी चलती है। धीमी क्या, मशीन तो पूरी चलेगी लेकिन एयर बिल्कुल कम चलेगा। तो हम इस बेल्ट को काट के वो निकाल देते हैं, ज़्यादा टाइम ना लेने के कारण। और अब चलते हैं हमारे पास, इसको थोड़ा लूज करते हैं एडजस्ट करने के लिए, क्योंकि हाँ पहले मोटर का जो बोल्ट है उसको लूज करेंगे, फिर दो चाबी होती है, उस चाबी से मोटर को एडजस्ट किया जाता है। देखो एडजस्टमेंट, यहाँ भी लूज करेंगे और मोटर को थोड़ा हम पीछे करेंगे, क्योंकि इस पर जो बेल्ट लगी थी 42 नंबर की थी, अब इसमें जो बेल्ट हम लगाएंगे 43 नंबर की। हमारे पास पहले ही बेल्ट रखी हुई थी, हमें मार्केट जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और ये हो गया पूरा, अभी और चार। ये दो बोल्ट इसमें टाइट किए होते हैं, चलो ये लूज हो गया। अब उधर से भी उसको हम लूज करते हैं, दोनों साइड से लूज करना पड़ेगा। यहाँ भी देखो जो नट बोल्ट टाइट है उनको लूज करो। तो काम को आपको सब कुछ सीखना है, क्योंकि कहीं भी आपको काम मिल सकता है, इसीलिए अनुभव ही बहुत ही अच्छा होता है। हम किसी भी काम सिर्फ पीछे नहीं होते, काम मिले और काम करें। और थोड़ा सा इधर भी, अब ये लूज हो गया है। चलो बिल्कुल फ्री हो गया है। अब ये चाबी भी देखो बिल्कुल पीछे साइड कर दिया हूँ, और उधर भी चलता हूँ, उधर की साइड भी कर देता हूँ, बिल्कुल पीछे कर देता हूँ, ताकि बेल्ट आसानी से चढ़ाया जा सके। अब देखो उधर खो गया, अब आ गए हम आगे साइड पुल्ली की साइड। मोटर को थोड़ा सा पीछे ठोक दें तो और थोड़ा लूज करें इसे। देखो मोटर पीछे जा रही, पीछे की साइड, और थोड़ा सा इसे लेना पड़ेगा।
क्योंकि बेल्ट लंबी है तो इसको पीछे ही लेना पड़ेगा। तो देखिए हमारे पास जो बेल्ट रखी है B43 की, और जो इसमें पहले लगी थी B42 लगी थी, तो हमारे पास B43 है। तो हम इसको लगा लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमारे पास 42 नहीं है तो हम 43 लगा लेंगे। तो इसी एडजस्टमेंट से यह बेल्ट, ये मोटर पीछे आगे की सकती है। अब बेल्ट चढ़ाने का सबसे बड़ा ये है कि एक एक पुल्ली, जैसे इसमें 3 बेल्ट की लगी हुई है, तो स्टार्टिंग से ही यह चढ़ा के, मतलब एक एक बैग उस साइड नहीं जा पाएगी, तो पहले आगे से चढ़ा के घुमा घुमा के तो बेल्ट को ले जानी पड़ेगी। देखो इस तरह से हम इसको पहनाएं, आराम से इसमें उंगली भी दब सकती है। देखो दूसरे पे पहले भी ले जाए और ये आराम, देखो गई, फिर आपको घुमाना पड़ेगा, दूसरे पे चली गई, फिर आपको घुमाना पड़ेगा, और ये इधर भी घुमा दो, तीसरे पहुंच गई, सबसे लास्ट वाली पुल्ली चली गई, पहला बेल्ट हो गया। चलो दूसरा लगाते हैं, इसे दूसरे पे डाला, इधर पहले पे जाएगा, फिर घुमाओ, फिर आपको घुमाओ, फिर दूसरे पे चली गई, लग गई। अब तीसरी बेल्ट चढ़ाएंगे, तो ये दोनों देखो कंप्लीट। चलो तीसरी लगाते हैं, तीसरी बस आगे, और इसको भी आगे से, तो ये हाँ चढ़ गई तीनों बेल्ट। अब हमें मोटर को टाइट करना है, जब मोटर को हम पीछे साइड करेंगे तो बेल्ट हमारी टाइट हो जाएगी। अब टाइट करने के लिए देखो इसी जो यहाँ पे चाबी ना, इसी को टाइट करना है, देखो दिख रहा है ना, हाँ इसी को टाइट कर देना है। बेल्ट ज़्यादा टाइट नहीं होनी चाहिए, लूज नहीं होनी चाहिए, इतना होनी चाहिए कि हल्का सा अगर बेल्ट दबाए तो दबे। चलो इसको हम टाइट करते हैं। ये देखो चाबी, अब यहाँ से इसे हम टाइट करते हैं। टाइट करेंगे तो मोटर हमारी पीछे जाएगी, जब मोटर पीछे जाएगी तो बेल्ट हमारी टाइट हो जाएगी ऐसे। तो दोस्तों वीडियो में टाइम ज़रूर लगता है, लेकिन हम जो वीडियो बनाते हैं बिल्कुल प्रैक्टिकल करके बनाते हैं, शानदार बनाते हैं, ताकि आपको समझ में आ जाए, ऐसा ना हो कि कुछ छूट जाए। बाकी आपकी इच्छा है, वीडियो भगा के देखो और या फिर विस्तार से देखो, विस्तार से देखो तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा, अगर जल्दी जल्दी देखोगे तो आपकी मर्जी है। वीडियो बनाना हमारा काम है, देखना आपका। तो चलो इसको हम टाइट करते हैं बराबर, ये ध्यान रहे कि पहली साइड और दूसरी साइड दोनों के सेम इसको टाइट करना है, जितनी चूड़ी वो हो उतनी चूड़ी इसको टाइट करना है, दोनों साइड पे हैं ये अभी, और कसते हैं अभी कम है। थोड़ा दिक्कत हो रहा है, एक बार हम देखो, इतना टाइट हो गया, थोड़ी चूड़ी रह गई, इधर भी देखो इधर टाइट हो गया, इतना आपको टाइट लेना है, फिर उसके बाद हम चलते हैं अब, और देखो ये पूरा बढ़िया से टाइट हो गया, देखो घूम रही है फटाफट, अब इसमें कोई भी दिक्कत नहीं, इतना बेल्ट बहुत टाइट है, देखो ये बिल्कुल कस के टाइट हो गया, इतना ये भी हो गया, दूसरी साइड उतना, दोनों साइड ही लेना है इसे, तब ये। अब हम उधर चलते हैं, इधर भी देख लेते हैं एक बार, तो इधर साइड भी वही उतना ही कसा है, देखो ये टाइट हो गया, और ये देखो यहाँ पर भी टाइट है, दोनों साइड ये टाइट हो कस हो गया है। अब ये लमसम लगभग ये पूरा कार्यक्रम फिट हो गया है, बेल्ट चढ़ गई है, तो अब इस इधर वाले को हम कवर लगाते हैं और टाइट करते हैं इसको। तो जितने भी इसमें, अगर इसको ठीक तरह से नहीं
लगाओगे, टाइट करोगे, लूज रहेगा तो यहीं से हवा खींचेगा, आपका ब्लोवर बाहर से हवा लेगी तो आपका जो पीस होगा ना वो बिल्कुल नहीं खींचेगा। यहाँ पे बिल्कुल आपको टाइट करना है लूज, तो ये फट्ठी को तो बिल्कुल नहीं करना है कहीं पर भी, ये चीज़ आप ध्यान देना पड़ेगा। और तीनों साइड चारों साइड से बढ़िया इसको टाइट कर देना है, इतना खींच के कसना है कि कहीं से भी एयर न ले, अगर कहीं उम्मीद है एयर की। चलिए टाइट हो गया है, एक बार इसको स्टार्ट करके हम चेक कर लेते हैं। अभी कवर लगा देते, हो सकता है बेल्ट उतरने के चांस हो, तो हम इसको एक बार चलाते हैं, चेक करते हैं। देखो चलो स्टार्ट करो भाई, तो ऐसे लगाएंगे तो पता नहीं चलेगा, एक बार हम ऐसे ढक्कन खोल के इसको चेक कर लेते हैं, क्योंकि अगर ऐसे लगा दें तो फिर दिक्कत होगी। तो हम इसको कवर को ही हटा के एक बार चला के वैसे बाहर से ही चेक करते हैं। चलो कवर को हटाते हैं और फिर इसको हम चेक करते हैं। ये देखिए स्टार्ट हो गई, बेल्ट सही चल रही है, सही दिशा पे है, कहीं भी दिक्कत नहीं है, उतरने के कोई चांस नहीं है। बिल्कुल देखिए फुल स्पीड चल रही है, बंद कर दिया, फिर एक बार चालू कर दूँ उतर हूँ, अब तो ये बिल्कुल सही चल रही, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अब इसमें हम पेच लगा के सब कुछ टाइट कर देते हैं। तो ये कंफर्म हो गया, मोटर हमारी सही चल रही है, बेल्ट सही चढ़ी हुई है, बेल्ट में कहीं भी लूजिंग नहीं है। तो चलो ये देखो कस दिया गया, अब ये हमारा जो है एयर वाला जो सिस्टम है इसको हम टाइट करते हैं। ये इसमें लिखा है सेक्शन कंट्रोलर मैक्सिमम मिक्समन, मतलब कम और ज़्यादा। तो चलिए फिर इसको हम खोलते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे जो इसमें कील लगी हुई थी, लॉक लगा हुआ था, फिर हम उस लॉक को उस पर लगा देते हैं। ये यहाँ पे देखो होल होगा, उस होल से इस होल को मिलाइए और इसी में जो एक कील लगा देना है, ताकि ये जब उधर से घुमाएंगे ना तो घूमने का काम करेगा बढ़िया आराम से। अब ये कील है, इसको आराम से मोड़ना, नहीं टूट जाएगा कभी कभार, तो हल्का ज़्यादा नहीं मोड़ना है इसे, हल्का सा बस, ज़्यादा मोड़ोगे तो पट से टूट जाएगा, बस थोड़ा सा ही आराम ध्यान के। तो लो पट हो गया, हम कह रहे थे टूट ही गया ये पट से, तो उतने से ही चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कंप्लीट हो, गिरने के नहीं, देखो तो एयर हमारा सेक्शन काम कर रहा है, घूम रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो चलिए अभी इसको हम दोनों साइड से कस देते हैं, इसको थोड़ा बड़ी कील डाल देते हैं। देखो बड़ी कील डाल दिए, अब इसको थोड़ा सा मोड़ेंगे, ऐसा नहीं तो पुनः टूट जाए, तो वो काम नहीं करना, हल्का सा मोड़ के इसको बस टाइट कर देना है, बस ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अब सेक्शन काम कर रहा है हवा वाला, घूमेगा वो। तो चलिए एक बार हम अब इसको स्टार्ट करते हैं और कपड़ा डाल के चला के भी चेक कर लेते हैं कि कपड़ा कैसे खींचता है ये। तो चलो दोस्तों हम इसको स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट हो गया है, अब इसको हम रनिंग मोड में डालते हैं, रनिंग हो गया, पैडल दबा दिया है, अब चलो कपड़े को हम इसके अंदर डालते हैं। ये देखो कपड़ा खींच रहा है बेहतरीन, बंद चालू करते हैं हम, फिर इसको निकाले, फिर चालू करें, देखो कपड़े को सही तरह से खींच रहा है, धागा तो बिल्कुल निकाल के फेंक देगा। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, हम आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।